दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोटी नाक को पतला करने की जो सर्जरी होती है राइनोप्लास्टी, उसके फायदे और नुकसान जानने वाले हैं। चेहरे की सुंदरता ना काफ़ी हद तक हमारे नाक, होंठ और थूड़ी के आकार और अनुपात पर डिपेंड करती हैं। अगर आपकी आँखें या फिर होंठ आकर्षक है लेकिन अधिक लंबी या छोटी फैली हुई टेढ़ी नाक और बड़े नासा छिद्र चेहरे की सुंदरता बिगाड़ देते हैं। ऐसे में हम एक ही बात सोचते हैं कि काश हमारी भी नाक का आकार सुंदर और पतला होता। दोस्त, ये सच है कि राइनोप्लास्टी कॉस्मेटिक सर्जरी से नाक नक्शा बदलकर एक परफेक्ट लुक पाया जा सकता है, और ये कॉस्मेटिक सर्जरी है जिसकी हेल्प से नाक के आकार को छोटा या बड़ा किया जा सकता है, और फैले हुए जो नॉस्ट्रल से आपके नुकीली टिप है, नेसल ब्रिजेस है, उसे जो है शेप में ला सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके कुछ फ़ायदे और नुकसान हैं जो आपको जानना चाहिए सर्जरी करवाने से पहले। सबसे पहले फ़ायदे जान लेते हैं। राइनोप्लास्टी ना केवल नाक के रूप और अपीयरेंस को अच्छा कर सकती हैं, बल्कि ये आत्मविश्वास में भी सुधार करती हैं, यानी आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देती हैं। नाक की नोक को ये कम कर देती हैं जिससे नाक शेप में आ जाती हैं। जो आपके नथुने होते हैं, नॉस्ट्रल्स, उसको एक नया आकार देती हैं। राइनोप्लास्टी सर्जरी को करवाने के बाद ना आपकी नाक तो उभरी हुई दिखती ही है, साथ ही चेहरे के अन्य जो फीचर्स हैं आपके, वो हाईलाइट होते हैं और आप काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखते हैं, मतलब पहले से ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखते हैं। और जिस व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ रहती है, उसके लिए भी ये सर्जरी काफ़ी लाभकारी होती है। उसे सांस लेने की जो प्रॉब्लम है, जिसमें वो सांस सही से नहीं ले पा रहा है, वो सही से लेता है। और इस सर्जरी के माध्यम से ना नाक की टूटी हुई हड्डियाँ भी जोड़ी जाती हैं, और इस सर्जरी के द्वारा साइनस की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती हैं। इतना ही नहीं, खराटों की प्रॉब्लम है तो ये भी प्रॉब्लम दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये तो थे राइनोप्लास्टी सर्जरी के फ़ायदे। अब जानते हैं इससे होने वाले क्या नुकसान हैं। देखिए, हर सर्जरी में कुछ जोखिम या नुकसान होते हैं, जिसमें संक्रमण, ब्लीडिंग या एनेस्थीसिया के दुष्प्रभाव शामिल है। इसी तरह से जब आप राइनोप्लास्टी सर्जरी करवाते हैं अपने नाक की, तो इसकी वजह से भी आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, रक्तस्राव हो सकता है सर्जरी के बाद में, सांस लेने में प्रॉब्लम आ सकती हैं, नाक के अंदर और आसपास सुनपन हो सकता है, एक अजीब आकार की आपकी नाक लगती है सर्जरी के बाद में, जो कि एक महीने बाद में अपना शेप ले लेती है। इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों, सर्जरी के तुरंत बाद ही आपकी जो नाक की सर्जरी हुई है वो शेप में नहीं दिखती है, उसे सेट होने में एक महीना लग जाता है, और आपके नाक पर निशान नज़र आते हैं, आँखों के नीचे काले घेरे हो सकते हैं, नाक के आसपास की त्वचा में दर्द और साथ ही पेन हो सकता है। नाक में तो दर्द होता ही है, साथ ही आपको वहाँ आसपास में नोज एरिया के पास में सूजन या स्वेलिंग भी हो सकती है। सर्जरी के स्थल पर संक्रमण मतलब इन्फेक्शन की संभावना में भी वृद्धि होती है। दांत के ऊपरी हिस्से में आपको दर्द होता है, और इस सर्जरी के बाद में आपको इन्फेक्शन होता है, जो कि आपको नॉर्मल सा नाक से पानी बहना जैसा लगता है। तो दोस्तों, ये थे राइनोप्लास्टी सर्जरी के फायदे और नुकसान। जितने भी मैंने आपको नुकसान बताए हैं, ये सारे टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। ये आपको एक महीने के बाद में डिसअपियर हो जाएंगे, जो भी साइड इफ़ेक्ट दिख रहे हैं। बस सर्जरी के बाद में आपको अपना खूब सारा ख्याल रखना है, और अपने फेस को और नाक को सेट होने में टाइम देना है, जिससे कि आपकी मोटी फैली हुई नाक पतली और लंबी शेप में हो जाएगी, जिससे कि आप पहले से ब्यूटीफुल दिखेंगे।